हम लोग पढ़ रहे थे वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में नेक्स्ट सेशन है हमारा सेशन 5, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग्स, यानी वेब पेज पे ब्लॉग हम लोग को बनाना है। ब्लॉग बेसिकली होता क्या है? ब्लॉग इज अ एब्रीब्रिएट वर्ड ऑफ वेबलॉग, यानी यह इसको वेबलॉग भी कहा जाता है। इट इज़ अ डायरी स्टाइल वेबसाइट वेयर ऑल एंट्रीज आर डिस्प्ले इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये एक डायरी स्टाइल वेबसाइट होता है जिसमें जो हम रिवर्स क्रोनिकल, मतलब क्या, जो लास्ट में डाले रहते हैं वो पहले दिखता है। सो दैट द मोस्ट रिसेंट पोस्ट अपीयर ऑन द फर्स्ट एट द टॉप ऑफ द वेब पेज, मतलब वेब पेज में सबसे ऊपर में, सबसे टॉप पे कौन सा दिखेगा, तो आपको लास्ट पोस्ट जो आप किए रहिएगा वो दिखेगा। ब्लॉग आर ऑफन मेंटेन्ड एंड रन बाय इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल, और अपडेट रेगुलरली, मतलब इसमें इसको मेंटेन और रन किया जाता है इंडिविजुअली, मतलब सिंगल लोग करते हैं। अपडेट डेली कंटेन पर्सनल रिमार्क अबाउट द टॉपिक एंड पर्सनल रैम्बल्स एंड अपडेट द पर्सनल लाइफ, यानी अपने पर्सनल लाइफ को उस पर डिस्क्राइब करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि कल वो क्या किए, आज क्या किए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेली का डेली। ठीक है, ए टिपिकल ब्लॉग कंबाइन, इसमें हो ब्लॉग में क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट, ईमेल्स, लिंक एंड अदर ब्लॉग, यानी एक टिपिकल ब्लॉग में टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, और दूसरे ब्लॉग का लिंक हो सकता है, वेब पेजेस हो सकते हैं, अदर मीडिया, मीडिया रिलेटेड इट्स टॉपिक। मोस्ट ब्लॉग आर परमानेंटली टेक्सचर थ्रू द सम फोकस ऑन फोटोग्राफी, इसको हम फोटो ब्लॉग कहते हैं। तो फोटो, कभी कभी फोटो ब्लॉग भी डाला जाता है इसको, फोटो ब्लॉग, फिर वी ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग, फिर ऑडियो, यानी जिसको हम पॉडकास्टिंग कहते हैं। अगर ऑडियो, कोई ऑडियो ब्लॉगिंग डालता है, ऑडियो अपना ब्लॉगिंग डालता है, तो उसको पॉडकास्टिंग कहते हैं। ठीक है, ऑन डिफरेंट टॉपिक ऑफ द टारगेट ऑडियंस, इसमें माने ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर अ टारगेट ऑडियंस ऑन द आर कॉल्ड ब्लॉगर, यानी जो भी वो टाइप कर रहा है माने डिफरेंट टॉपिक्स को ऑडियंस तक पहुंचाने का, उसको कहते हैं ब्लॉगर। ठीक है, ऑन द इंटरनेट ब्लॉगर कैन कम्युनिकेट टू लॉन्गर ग्रुप ऑफ पीपल सो दे आर क्रिएटेड ब्लॉग, यानी अगर वो चाहता है कोई भी ब्लॉगर कि वो ज़्यादा लोग से मिले और माने ज़्यादा लोग को अपना थाउट यानी अपने बारे में कुछ बताए, तो वो ब्लॉग को क्रिएट करते हैं। द www.blogger.com, www.wordpress.org, ये सब जो है, ये दो जो है आपका वो है, ये और ये दो वेबसाइट है जिसका यूज़ हम लोग ब्लॉग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। फॉलोइंग ऑफ द कॉमन फीचर ऑफ टिपिकली ब्लॉग विल इंक्लूड, मतलब कुछ बहुत सारे फीचर होते हैं इसमें, देखते हैं क्या क्या है। हेडिंग विथ द मेनू, मतलब हेडिंग, हेडर होता है विथ द मेनू, एंड नेविगेशन बार, मेन कंटेंट एरिया विथ द हाईलाइटिंग, यानी मेन कंटेंट एरिया जो होगा वो हाईलाइट होता है। लार्जेस्ट, लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट सबसे बार, या फिर लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में आता है। साइड बार विद भी स्पेशल प्रोफाइल्स एंड फेवरेट कंटेंट, यानी साइड में जो होगा, साइड बार में उसमें फेवरेट होगा, प्रोफाइल होगा, कॉल टू एक्शन होगा। फुटर एज रिलेवेड लिंक टू डिस्क्लेमर प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब नीचे में, सबसे नीचे में दिखेगा आपको। अब कैसे बनाते हैं हम लोग वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस में हमको एक अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, वर्डप्रेस एक ब्लॉगर वेबसाइट है जिसपे हम लोग अपना ब्लॉग डाल सकते हैं, या कोई भी डाल सकता है अपना ब्लॉग। ठीक है, वर्डप्रेस आज ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी यह जो है ओपन सोर्स, यानी फ्री में मिलता है, जो ओपन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अवेलेबल फॉर फ्री। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब, यानी वेब पेज पर यह सबसे पॉपुलर वेब ब्लॉगर साइट है, ब्लॉगर वेबसाइट है। इट अलाउ द पीपल टू बिल्ड डायनामिक वेब पेज, वेबसाइट और पेजेस, ब्लॉगेज, टू क्रिएट ब्लॉग अकाउंट इन वर्डप्रेस द फॉलो स्टेट। ब्राउज़र, पहले ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये वेबसाइट डालना पड़ेगा हमको। ठीक है, www.wordpress.com, उसके बाद इंटर दबाएंगे तब आपको ये स्टार्ट होगा, आपका स्टार्ट होगा, इस तरह का पेज दिखेगा आपको। उसके बाद हम लोग को अगर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक फॉर्म फिलअप करवाएगा जिसमें आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सब सेट करना होगा।
ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट सब प्रोसीजर कर लेंगे तो रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही आपसे ये सब पूछा जाएगा, इस द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सारा कुछ भर देना है हमको और उसके बाद इंटर दबा देना है। सेलेक्ट द डिफरेंट ऑप्शन, चूज द रिक्वेस्ट वन, डिफरेंट ऑप्शन अपीयर, चूज द रिक्वेस्ट वन, यानी कोई भी इसमें से दो तरह का वेबसाइट आपको मिलेगा, एक है कैरेक्टर टीचर डॉट ब्लॉग और एक क्लास टीचर डॉट कॉम, इस तरह का, यानी दो एक डोमेन टाइप का है जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जिसको चूज़ करना है उसको सेलेक्ट करना है और इंटर दबाना है, सेलेक्ट कर क्लिक कर देना है। नाउ द चूज द प्लान टू स्टार्ट, फॉर एग्जांपल क्लिक स्टार्ट और फ्री बटन, अगर आपको फिर उसके बाद प्लान सेलेक्ट सेट करना पड़ेगा तो फ्री, तो हम फिलहाल तो हम लोग फ्री पे ही करेंगे, तो स्टार्ट विथ फ्री बटन पे, योर वेबसाइट पेज विद अपीयर टू गेट वेरीफिकेशन कोड और योर ईमेल, जैसे ही आपका पेज बनेगा उसके बाद आपका वेरीफिकेशन कोड आएगा ईमेल आईडी पे, लिंक ईमेल आईडी में भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई कर देंगे तब आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। टू क्रिएट अ पोस्ट, अब कैसे पोस्ट उस पर करते हैं, यानी राइटिंग और पोस्टिंग अ ब्लॉग, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन योर वर्ड उस पर, माने वर्डप्रेस अकाउंट पे, इसमें राइट ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करिएगा, एक मिनट, राइट हमको दिख नहीं रहा है कहाँ पे है, राइट ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद नाउ टाइप द टाइटल, टाइटल आपको सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा, उसके वजह से इसमें टाइटल दिया गया अबेकस, प्रेस क्लिक द प्रीव्यू बटन टू सी प्रीव्यू द पोस्ट, अब प्रीव्यू आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये टाइटल है, उसके बाद सारा कंटेंट नीचे में भर देना है, लिख देना है, उसके बाद प्रीव्यू से आपको ये दिखेगा कि कैसा वो प्रीव्यू होगा तो कैसा आएगा, उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो पब्लिश होने के बाद वो आपका पेज पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेशन 5, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेशन 6 में क्या है, यूजिंग ब्लॉग एडिटिंग ऑफलाइन, ब्लॉग एडिटिंग ऑफलाइन, व्हाट इज ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन क्या हो गया कि हम लोग ऑफलाइन भी अपना पेज विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के देख सकते हैं या फिर पब्लिश बना के रख सकते हैं, पब्लिश करने के लिए तो इंटरनेट चाहिए बट बना के रख सकते हैं, एडिट करके रख सकते हैं, बट जैसे ही हम ऑनलाइन होंगे तो वो वापस मेरा फिर हो जाएगा, तो उसके एडवांटेज क्या क्या हैं, द फॉलोइंग ऑफ सम रीज़न द फोर्स यू टू राइट ब्लॉग ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ऑफलाइन हमको लिखना पड़ता है, एज द नेम ऑफ इम्प्लीज देयर इज़ नो नीड द इंटरनेट कनेक्शन वाइल राइटिंग द ब्लॉग, यानी आपको जाहिर सा बात है कि राइट करने के लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होता है, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड ओनली वेन यू वॉन्ट टू पब्लिश द पोस्ट, जब आप पब्लिश करना चाहें तब, यू पोस्ट योर पोस्ट इज वुड बी नॉट बी लॉस्ट, आपका पोस्ट जो है लॉस नहीं होगा, इट लाइव योर हार्ड ड्राइव अनटिल यू पब्लिश नाउ, जब तक उसको पब्लिश नहीं किया जाते, इट इज़ यूजी टू अपलोड इमेज वीडियो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, सिंस एवरीथिंग इज डन इन योर लोकल कंप्यूटर सो यू डू नॉट ऑलवेज नीड टू एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन राइट पोस्ट, मतलब हमेशा हमको आवश्यकता नहीं होती है कि नेट कनेक्ट रहे ही, तो हम लोग इसी के लिए कर सकते हैं, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर इज स्लाइटली फास्टर देन ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन से ये स्लाइटली फास्टर होता है, डिफरेंट टाइप के ऑफलाइन ब्लॉग वेबसाइट हैं, ब्लॉग एडिटर हैं जैसे ब्लॉग जेट, वर्ड, ब्लॉग डेस्ट, QM माना, स्क्राइब फायर, ये सब बहुत सारे वेबसाइट हैं, तो इसमें ब्लॉग जेट देखते हैं, ब्लॉग जेट इज़ अ पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, इट सपोर्ट मेनी पॉपुलर वेब पेज वेबलॉग सर्विस सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रेस, मूवेबल टाइप, टाइप पैड एंड ब्लॉगर, यानी ये सब वेबसाइट में ये इसको अलाउ किया जाता है, इन द ब्लॉग साइट यू कैन ईजिली मेक डिफरेंट कलर फॉन्ट इनसाइड पिक्चर, यानी सब कुछ हर तरह का एडिट आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जब इसको पोस्ट करना हो तो कर देंगे, आप इसमें डाउनलोड कैसे करेंगे, इसको डाउनलोड करने के लिए हमको क्या करना है, ओपन योर ब्राउजर एंड योर कंप्यूटर, ब्राउज योर कंप्यूटर, टाइप द ब्लॉग जेट गूगल सर्च बार में, इंटर, उसके बाद मल्टीपल लिंक इज गेट, आपको ये लिंक पे क्लिक करना है, http://blogjet.com, ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद
आपको प्ले दिखेगा, उसमें फ्री डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, सेव फाइल का ऑप्शन आएगा, सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसका exe आपको डाउनलोड हो जाएगा। exe होता है क्या, एग्जीक्यूटिव फाइल, मतलब वो आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए ये एक फाइल इंस्टॉल करने का आएगा। डाउनलोड में आपको मिलेगा blockjet setup.exe, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये सेटअप स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एग्रीमेंट यहाँ दिख रहा होगा आपको, एग्रीमेंट यहाँ रहा, ये है एग्रीमेंट। मैंडेटरी होता है, नहीं करिएगा तो फिर प्रॉब्लम फंस जाएंगे, नहीं होगा फिर आपका इंस्टॉल। तो एग्रीमेंट एक्सटेंड करता है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो आपका ब्राउज लोकेशन मांगेगा, देना नहीं है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका विजार्ड चलता रहेगा, इस सबको विजार्ड कह रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ इंस्टॉल होता रहेगा, प्रोसेस में दिखेगा। लास्ट में ये मैसेज आएगा, कंप्लीटेड द ब्लूजेट सेटअप विजार्ड, नाउ फिनिश कर देना है। उसके बाद कॉन्फिगरिंग करना है, कॉन्फिगरिंग मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग करना पड़ेगा तभी हम लोग का ये चलेगा। उसके लिए क्या करना है, क्लिक स्टार्ट बटन और प्रोग्राम में जाके ब्लॉकजेट पे क्लिक करना है। ब्लॉकजेट पेज अपीयर हो जाएगा आपके सामने, उस पर न्यू ब्लॉग दिखेगा आपको, न्यू ब्लॉग यहाँ दिख रहा है हमको, ठीक है, न्यू ब्लॉग आपको यहाँ दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड स्टार्ट होगा, ए विजार्ड अपीयर टू आस्क द इंटर योर वेब ब्लॉग URL, अपने वेब पेज का URL एड्रेस टाइप कीजिए। तो आपको यहाँ पर अपने ब्लॉग का, यानी जो हमारा ब्लॉग है, जैसे wordpress.com पे हम एक ब्लॉग बनाए हैं, ठीक है, तो उसका एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो उसमें लॉग इन करने के बाद अपने प्रीवियस सेशन से हमको ये कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर डाल के कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नाउ इंटर द यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑफ योर ब्लॉग अकाउंट, तो अपने ब्लॉग अकाउंट का आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, नेक्स्ट करना है, हो जाएगा। यूज़ डिफ़ॉल्ट IAP, इसी को सेट करना है इसमें, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इंटर अकाउंट टाइटल एंड एड्रेस, अकाउंट टाइटल देना है, यानी आपका नाम, माने अकाउंट का टाइटल क्या रहेगा, तो आप अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेनस्टॉर्म, आप भी दे सकते हैं। और एड्रेस वही होगा जो आपको प्रोवाइड करेगा वर्डप्रेस, जैसे वर्डप्रेस ब्लॉगर वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो वर्डप्रेस वाला, जैसे वर्डप्रेस ये हमको एक वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, जैसे ये लिखा हुआ है क्लास टीचर 2429169@w wordpress.com, तो इस तरह का एक एड्रेस आपको भी मिलेगा। उसके बाद फिनिश पे वर्क कर देना है। फिनिश पे क्लिक कर देंगे, कर देने के बाद द ब्लॉग एडिटर विंडो अपीयर शो इन द ब्लॉग सर्विस ब्लॉग ग्रुप, ब्लॉग ग्रुप में आपको ब्लॉग ग्रुप यहाँ दिखने लगा है। अब आपको ब्लॉग ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन देंगे, नाउ कैन यू क्रिएट योर ब्लॉग ऑफलाइन एंड पब्लिश देन द लेटर ऑन द योर वेब ब्लॉग, यानी आप बाद में इसको लिख सकते हैं। क्रिएटिंग के लिए क्या करते हैं, क्रिएट के लिए यहाँ पर ब्लॉग के बगल में एक न्यू ऑप्शन दिख रहा है, न्यू बटन ऑन द ब्लॉग टैब, ब्लॉग टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू ऑप्शन दिखना है, न्यू ऑप्शन जब क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेज अपीयर होगा। नाउ विंडो अपीयर, टाइप द ब्लॉग टाइटल, टाइटल सबसे पहले ऊपर में ये जो मेंटल मैथ लिखा हुआ है, मेंटल मैथ यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। उसके बाद पूरा कंटेंट ये नीचे वाले पार्ट में लिख देना है, नीचे वाला पार्ट मतलब ये पूरा पार्ट कंटेंट का पार्ट हुआ, यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो भी एडिट, अगर फॉर्मेटिंग करना है तो वर्ड में हम लोग जो पहले किए हुए थे वर्ड आपको पहले, इसके बाद भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ये सब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वर्ड बोल्ड इटैलिक्स ये सब अंडरलाइन वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। हाइलाइटिंग ये सब, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो भी फॉर्मेट कर सकते हैं हम कर लेंगे। उसके बाद ये जैसे एक फिगर यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद आफ्टर द कंप्लीटिंग द योर स्टोरी क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, योर ब्लॉग विल बी सेव इन टाइटल नोट ड्राफ्ट, ड्राफ्ट फोल्डर में आपका फाइल जो है सेव हो जाएगा। टू पब्लिश द ब्लॉग ओपन द ड्राफ्ट फोल्डर, ड्राफ्ट को ओपन करना पड़ेगा एंड प्रीव्यू इट द क्लिकिंग द प्रीव्यू बटन, और प्रीव्यू पे क्लिक करके उसके बाद सेंड ब्लॉग टू बटन टू पब्लिश योर पोस्ट, यानी सेंड टू ब्लॉग पे क्लिक करना पड़ेगा तो आपका ये पोस्ट
पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेशन, मतलब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। वेब में इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी दिया गया है असाइनमेंट टाइम का, असेसमेंट जोन के हर क्वेश्चन को आप लोग को कर लेना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एंड आंसर आपके कॉपी में हो जाने चाहिए, नोट डाउन, और सारे सेशंस के इंडिविजुअल नोट्स तैयार होते रहने चाहिए अभी से, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग के पास टाइम बहुत सारा होगा, तो इसका यूज़ कीजिए और नोट्स तैयार कीजिए, और ये असेसमेंट जोन का सारा क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए। तो थैंक यू।